हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिग बैंग थ्योरी को जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था। तो जॉर्ज लेमेट्री ने 1927 में यूनिवर्स की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग यूनिवर्स की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 बिलियन ईयर्स पहले सभी फिजिकल एलिमेंट और एनर्जी एक बिंदु में सिमटी हुई थी। इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक यूनिवर्स के कण समूचे स्पेस में फैल गए और वो एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस सिद्धांत का श्रेय एडविन हम्बल नामक वैज्ञानिक को जाता है। उन्होंने यह कहा था कि यूनिवर्स का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स कभी इंटेंसिव रहा होगा। यूनिवर्स से रिलेटेड अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने तथ्य रखे। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि बिग बैंग से पहले आखिर क्या हुआ करता था। उन्होंने बताया कि यह जितना आसान था उतना ही ज़्यादा मुश्किल। हॉकिंग के अनुसार बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। हॉकिंग ने कहा था कि आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम ने साथ मिलकर दुनिया में स्पेस और टाइम का कभी न रुकने वाला चक्र बनाया है, लेकिन सच में वह बिल्कुल प्लेन नहीं है, बल्कि एनर्जी और फिजिकल एनर्जी के प्रेशर के कारण यह आपस में घूमा हुआ है। इसकी वजह से इसे समझ पाना आसान नहीं है। हॉकिंग का कहना है कि बिग बैंग से पहले समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। हॉकिंग कहते हैं कि आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय संसार में मौजूद सभी भौतिक पदार्थ और ऊर्जा बहुत ही छोटी जगह पर केंद्रित थी, लेकिन यह थ्योरी बिग बैंग के पहले या बाद की कंडीशन के बीच कोई मैथमेटिकल लिंक नहीं बताती है। तो यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।